नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, आप सभी ये बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि आजकल अगर यंग जनरेशन वाले लड़कों के हाथ में फोर व्हीलर्स हैं तो वो उसे हमेशा गलत तरह से यूज करते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आजकल के ज्यादातर लड़के ऐसे ही हैं जो सोशल मीडिया पर भौकाल बनाने के चक्कर में हाई स्पीड ड्राइविंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं या फिर स्टंट वगैरह करते हैं, और यही वीडियोस को वो उठाकर पोस्ट कर देते हैं, जिसे देखकर इन्हीं जैसे 4-6-10 लोग वाहवाही करते हैं और भाई लोगों का समाज में भौकाल बन जाता है। और अगर बाई चांस मान लीजिए इनके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसका भौकाल पहले से ही मार्केट में बिना ड्राइवर के बना हुआ है, तो फिर वो आग में घी डालने का काम करता है। और आज ऐसे ही एक SUV का एक्सीडेंट सामने आया है, जिसे कई सारे व्यूवर्स ने मुझसे शेयर किया है। आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर। यह एक्सीडेंट रिसेंटली जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक यूट्यूबर के महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉर्पियो से दो स्टूडेंट्स कॉलेज से निकलकर जा रहे थे, और जैसे ही ये बाहर की तरफ कुछ दूर आए, अचानक से ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग पर से खो गया और गाड़ी सड़क के साइड में खड़े एक स्कूटी को टक्कर मारते हुए नीचे गिर गई। यहाँ पर दो तरह की चीजें सामने आ रही हैं। पहला तो ये जिस यूट्यूबर की गाड़ी है उसने खुद ये चीज बताया है कि एक्सीडेंट के समय भाई नहीं थे या कहीं बाहर थे, और उनका छोटा भाई अपने फ्रेंड के साथ स्कॉर्पियो को लेकर कॉलेज गया था, और वहीं कॉलेज के जस्ट बाहर या थोड़ा आगे पीछे एक जगह पर अचानक गाड़ी का व्हील स्पिन हो गया और ये अनकंट्रोल हो गई। उसी समय गाड़ी के सामने कुछ लोग भी मौजूद थे, इसीलिए लड़के ने उन्हें बचाने के चक्कर में स्टीयरिंग घुमाया और ये सब हो गया। इसके अलावा वहाँ की न्यूज चैनल्स ने भी इस एक्सीडेंट को कवर किया है और एक वीडियो भी पब्लिश किया है गाड़ी का। हालांकि ये वीडियो पहले का है जिसमें स्कॉर्पियो एन से भाई पब्लिक प्लेस पर स्टंट कर रहे हैं। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे ये गाड़ी को ड्रिफ्ट मारते हुए गोल गोल नचा रहे हैं। इसी के साथ आसपास के स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि गाड़ी थोड़े तेज रफ्तार में आकर अचानक से अनकंट्रोल हो गई है। खैर, जो भी हो, इम्पैक्ट से SUV में काफी नुकसान आ गया है। फोटोज में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे स्कॉर्पियो का बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल वगैरह के साथ फ्रंट डैमेज हो गया। इसके अलावा डायरेक्ट इम्पैक्ट गाड़ी के टॉप साइड में पड़ा है, जिस वजह से रूफ, डोर और पिलर थोड़ा बहुत बेंड हो गया है। बाकी दोनों साइडों में और बैक में भी काम भर का नुकसान देखा जा सकता है। बात करें अंदर बैठे लोगों की तो फॉर्चुनेटली यहाँ पर दोनों स्टूडेंट्स बिल्कुल सेफ थे, किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। तो भाई, यहाँ एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसके ओनर यानी जो यूट्यूबर हैं वो अलग चीजें बता रहे हैं और न्यूज में अलग चीजें दिख रही हैं। और आपको भी पता है भाई, जो दिखता है उसी पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। ऐसे वीडियोज जब पहले से सोशल मीडिया पर पड़े होंगे और फिर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो ज्यादातर लोगों को यही लगेगा ना कि गलत तरह से ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट हुआ है। भले ही ड्राइवर की गलती ना हो या कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो गया हो, यहाँ फिर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। और हम यहाँ भी ये दावे के साथ नहीं बोल सकते कि ड्राइवर की गलती नहीं रही होगी, क्योंकि भाई एक तो ये कॉलेज का गेट है, सामने इतना पतला रोड है, ऊपर से काफी क्राउडेड है। ज्यादा से ज्यादा गाड़ी की स्पीड इस जगह 20-30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता 20-30 में ये ऐसे अनकंट्रोल हो जाएगी। खैर, जो भी हो, लोगों को समझना चाहिए कि इन चीजों से उनके साथ साथ सामने वालों का भी काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर गाड़ी के चपेट में कोई स्टूडेंट नहीं आया, वरना पता नहीं क्या होता। इसीलिए कहा जाता है हमेशा रोड के और एरिया के हिसाब से अपने गाड़ी की स्पीड को रखें, ताकि ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो। बाकी सारी चीज़ों को देखकर और समझकर आपको इस एक्सीडेंट पर क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।